दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मोदी जी के घर के लोग हैं वो कौन कौन हैं और क्या क्या काम करते हैं। ये एक रहस्य है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये बात। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगी। दूसरा, मोदी जी का जो घर है जहाँ पर आज वो रहते हैं प्रधानमंत्री निवास, वो कैसा है? क्या उस घर के अंदर सुरंग है? यदि सुरंग है तो वो कितनी लंबी है और कहाँ तक जाती है, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये बातें दोस्तों नई नहीं हैं, ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन आप लोगों तक ये बातें नहीं पहुँच पाई, तो मैंने ये सोचा कि इन बातों को आप तक पहुँचाऊँ। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इस देश की जनता को जानने का हक है कि उनके परिवार के लोग कौन हैं और क्या क्या काम करते हैं और वो जहाँ रहते हैं वो कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मोदी जी के परिवार के लोगों के बारे में। मोदी जी के जो भाई हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके पद का बहुत सारा लाभ उठाकर बहुत बड़े बड़े घर में रहते होंगे, बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे। ऐसा नहीं है। मोदी जी के जो सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम सोमा भाई मोदी है, अभी वृद्धाश्रम में रहते हैं, क्योंकि खाने के लिए और बहुत बड़ा घर रहने के लिए जो होना चाहिए उसके लिए पैसे उनके पास नहीं है, ठीक है। दूसरे उनके जो भाई हैं उनका नाम है पंकज मोदी, जो सरकारी नौकरी में हैं, और जो मोदी जी की माँ हैं वो उन्हीं के पास में रहती हैं क्योंकि वो उनका ख्याल रख पाते हैं सरकारी नौकरी होने की वजह से। तीसरे जो भाई हैं मोदी जी के उनका नाम है अशोक मोदी, इनकी जो है वो घर में बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है, 3 कमरे का छोटा सा मकान है और घर में एक मारुति 800 है जो तिरपाल से ढकी रहती है। बहुत खास कारणों से वो कार निकाली जाती है। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है संजय मोदी, जो मोदी जी के भतीजे हैं, उनसे बड़ा लगाव रखते हैं और संजय मोदी ये सोचते हैं कि जब भी वो मोदी जी से मिलेंगे तो उन्हें एक कोयले की प्रेस, जिससे मोदी जी कपड़े प्रेस करते थे, और एक पुराना पंखा वो उन्हें गिफ्ट करेंगे। तो ये थी बात इनकी। उसके अलावा इनके और भी चचेरे भाई हैं, जैसे भरत मोदी हैं, वो पेट्रोल पम्प पर काम करते हैं और 10 दिन बाद लगभग या उससे ज़्यादा के समय अंतराल के बाद में घर जा पाते हैं क्योंकि पैसे कटेंगे यदि छुट्टी ली तो, और पैसे उतने होते भी नहीं हैं जिससे कि वो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो बियर कर पाएं। और इसके अलावा ये वाली बात समझ में आती है दोस्तों कि मोदी जी के जितने भी घर के लोग हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हम भी VIP बन गए, ऐसा कुछ। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोदी जी के घर के बारे में। जो प्रधानमंत्री निवास है इसका आज की डेट में जो एड्रेस है उसका नाम है 7 लोक कल्याण मार्ग। पहले इसका नाम 7 रेस कोर्स हुआ करता था। इस बंगले के अंदर में क्या है, क्या इसके अंदर सुरंग भी है? तो दोस्तों इस घर के अंदर में 11 नंबर तक के बंगले हैं, लेकिन टोटल नंबर में देखे जाए तो बंगले 6 हैं और एक 7वां बंगला जो है वो सुरक्षा कारणों की वजह से शामिल किया गया है अभी। तो जो 6 बंगले हैं उनके नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो जब हम अशोका होटल की साइड से आते हैं तो पहला वाला जो बंगला पड़ता है वो है 9 नंबर का बंगला। ये सुरक्षा कारणों की वजह से SPG ग्रुप को दिया गया है। बड़े से बड़ा आदमी आएगा तो उसकी कार को साइड में लगाया जाएगा, फिर सुरक्षा कारणों के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो पूरे होंगे, फिर उसके बाद में अंदर उसे जाने दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मोदी जी के ऑफिस के बारे में। मोदी जी के लिए जो ऑफिस का बंगला है उसका नंबर है 7, जिसमें कोई भी नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक के अलावा आके मिलना चाहे तो वहाँ पर उस ऑफिस में सारा का सारा काम रहता है। इसके अलावा जब मोदी जी के घर की बात करें तो उसका नंबर है 5। मनमोहन सिंह साहब के समय पर ये बंगले का नंबर जो था वो मेहमानों के लिए यूज़ होता था और मनमोहन सिंह साहब 7 नंबर के बंगले में रहते थे। आज की डेट में जो 7 नंबर का बंगला है वो मेहमानों के लिए रहता है, जो प्रधानमंत्री के मेहमान होते हैं, तो ये उल्टा हुआ है। हो सकता है कि कोई अपना पर्सनल रीज़न रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी अपने घर जो 5 नंबर में है वहाँ से 7 नंबर तक का जो ऑफिस है वो कैसे जाते हैं? उसके लिए एक कांच की टनल बनी हुई है, उसके थ्रू मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो जाते हैं। अब आगे की बात करें तो नंबर 1 का जो बंगला है वहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है और वहाँ से उस हेलीकॉप्टर से उड़ के सीधा मोदी जी एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और वहाँ से कोई भी विदेशी यात्रा में जाना हो चले जाते हैं। अभी जो लास्ट का बंगला है 11 नंबर का बंगला, वो सुरक्षा कारणों की वजह से अभी शामिल किया गया है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँ मैं, 30 मई 1990 में ऐसा कानून बनाया गया था कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अब प्रधानमंत्री निवास जो 7 लोक कल्याण मार्ग है उसी में ही रहेगा। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, जैसे हमारे जो नेहरू चाचा जी जो थे, वो आज जहाँ रहते थे उसको आज की डेट में म्यूजियम बनाया गया है। इंदिरा गांधी जी का जो निवास था वो 1 अकबर रोड, जो आज की डेट में म्यूजियम है।
सोनिया गांधी जी का निवास है जिसका नाम 10 जनपद है, ऐसा खबरों में आता है कि 10 जनपद से ये खबर आई, तो वो बेसिकली कांग्रेस का हेडक्वार्टर है आधा, और आधा जो है वो म्यूजियम बनाया हुआ है। लेकिन अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इन 7 लोक कल्याण मार्ग में ही रहेगा। 1990 में ऐसा कानून बनाया गया था। अब सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री के घर 7 लोक कल्याण मार्ग में कोई सुरंग है? तो इसका उत्तर है हाँ। दोस्तों ये बातें किताब में लिखी हुई हैं, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है, और भी कई किताबें हैं जिसमें इसका उल्लेख है। तो उसके अंदर में ये सुरंग जो है वो कितनी लंबी है और कहाँ जाती है? तो दोस्तों ये जो सुरंग है 1.5 किलोमीटर की है, और ये जाती है सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए, जिससे कि जो भी प्रधानमंत्री है उसे बिना ट्रैफिक में फंसे हुए सीधा यदि एयरपोर्ट पहुंचना है तो जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच पाए। दोस्तों आई होप ये सारे के सारे रहस्य आपको पता लगे होंगे। हालांकि ये सार्वजनिक बात है, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि जो प्रधानमंत्री का घर है जिसमें हम नहीं जा सकते, उसके अंदर क्या है, कैसा है, और अभी तक जो मोदी जी के परिवारजन हैं वो कहाँ पे कैसा कैसा काम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप पसंद किए तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें, जिससे मैं ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ में और भी वीडियो बनाता रहूँ। अभी के लिए नमस्कार।